ट्रक एसोसिएशन एवं ट्रक चालकों ने रीवा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि देश और प्रदेश में कोविड-19 बीमारी फैली हुई है। कई माह तक लॉकडाउन रहा है, अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हुई और वाहन चालकों से जिले की यातायात पुलिस एवं थानों की पुलिस द्वारा एंट्री की वसूली अवैध रूप से की जाती है। थानों की पुलिस द्वारा ट्रक हाईवा डंपर इत्यादि का रेट फिक्स किया गया है। पुलिस द्वारा अवैध रूप से पैसे की मांग की जाती है, ना देने पर झूठे और मनगढ़ंत मुकदमे तैयार किए जाते हैं। इस महामारी के दौरान वाहनों की किस्त और अन्य खर्चे चलाने में समस्या आ रही है। ऐसे में पुलिस द्वारा की जा रही अवैध वसूली से हम सब वाहन मालिक परेशान हो गए हैं। पुलिस द्वारा की जा रही इस अवैध वसूली को बंद कराया जाए। अवैध वसूली बंद ना होने की दशा में हम सब वाहन मालिक के पास एक ही रास्ता बचेगा कि हम सब वाहन मालिक प्रशासन को ही अपने माध्यम से वाहन सौंप दें। पुलिस की इस अवैध वसूली को बंद कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की मांग ट्रक एवं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रीवा ज्ञापन देनी है। क्या समस्या है? क्या समस्या? जैसा आप लोगों को पहले से भी पता है कि हम लोग 3-4 दिन से ट्रक मालिक हैं। हम सब हमारे साथ में जो खड़े हैं सब ट्रक मालिक हैं। हम लोगों की समस्या ये है कि पुलिस द्वारा अवैध वसूली की जा रही है हमारे ट्रकों से। कहीं पे भी गाड़ी रोक के और पैसा मांगा जाता है। हर महीने मंथली बना के रखा है, इस थाने में इतना पैसा चाहिए, इस थाने में इतना पैसा चाहिए, इस थाने में इतना पैसा चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि पुलिस को किस बात का पैसा चाहिए? कितने थाने में पैसे की मांग की जाती है? हर थाना, सीधी से गाड़ी चले या शहडोल से रीवा पहुंचने तक जितने भी थाने पड़ते हैं, हर थाने में, किसी थाने में 5,000, किसी थाने में 10,000, किसी थाने में 3,000 रुपये। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, हम SP कार्यालय में हैं, आदरणीय SP साहब से ये पूछना चाह रहा था कि ये पैसा किस चीज़ का पुलिस को चाहिए? पैसों की मांग छोटे स्तर के कर्मचारी करते हैं। छोटे स्तर के कर्मचारी दलालों के द्वारा गाड़ियों का नंबर के साथ एंट्री होती है। आदरणीय एडिशनल SP साहब द्वारा कहा गया है कि हम इसकी जांच करवाएंगे और आप यदि कोई पुलिस वाला पैसे की मांग करता है किसी थाने का हो तो आप हमें सूचित करिए, हम उसे सस्पेंड करेंगे। हमारे इस यूनियन ने 2-3 दिन से कंटिन्यू ये काम कर रहा है, 2 से 3 ट्रांसफर हुए हैं, पर वास्तव में जो आदमी हमें प्रताड़ित किया हुआ है उसका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से आदरणीय SP साहब से, एडिशनल SP साहब से कहना चाहता हूँ कि कुछ थाने के TI जो कैलकुलेटर निकाल के पैसे की मांग करते हैं उनको जल्द से जल्द बदला जाए। पूर्व में आप लोगों ने कहां कहां शिकायत की? पूर्व में हमने पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला जी से मिले थे, उसके बाद IG जोगा साहब से मिले थे, कल हम लोग इलैया राजा टी आदरणीय कलेक्टर साहब से मिले और आज हम लोग SP साहब से मिलने आए थे। SP साहब अवेलेबल नहीं थे। SP साहब को हमने फ़ोन भी किया है, SP साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। हमने उनको मैसेज डाला है कि हम गाड़ी मालिक आपसे मिलना चाहते हैं, उनका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया SP साहब का कि वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। नाम बताएं। एडिशनल सर ने आपको क्या? एडिशनल साहब ने विधिवत हम लोगों की समस्याएं सुनी, 10 से 15 मिनट का समय दिया। उनका कहना है कि आप को यदि कोई भी पुलिस वाला परेशान करता है, आपकी गाड़ी को कहीं से रुकवाता है, पैसे की मांग करता है, आप हमें सूचित करिए, हम उसको सस्पेंड करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार पांडे नाम है मेरा। मैं सीधी जिले से हूँ, बिंद ट्रक एसोसिएशन का जिला मीडिया प्रभारी भी हूँ मैं। ज्ञापन क्या मांगेंगे? हाँ, ट्रक एसोसिएशन रीवा के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो माइनिंग में इनको जो क्यूबिक मीटर से जो रेत दी जाती है और जो ट्रैफिक एक्ट है, यातायात नियम है, उसमें टन के हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो उसमें दुविधा बनी रहती है इनको कि पुलिस के अधिकारी या पुलिस के कर्मचारी या माइनिंग वाले जब उसको रोड पर पकड़ते हैं तो वो टन के हिसाब से उसमें चालान करते हैं, जबकि इनको क्यूबिक मीटर के हिसाब से माइनिंग से दिया जाता है। इसमें क्या असुविधा होती है, इसके कारण से मांग करने आए हैं कि इसमें जो व्यवस्था हो शासन स्तर से सही हो जाए, इसके लिए इनको हिदायत दे दी गई कि इसमें ज्ञापन अलग से दे दें जिसमें वो तथ्य भी डाल दें, इसके आधार पर आगे के कर दिया जाएगा। दूसरा ये चाह रहे हैं कि आपस में सामंजस्य बैठ जाए, जो जिला बल है, यातायात है, साथ में अपना RTO है, रेवेन्यू है, माइनिंग है, तो उसमें लगातार जो कार्रवाइयाँ हैं इन लोगों के खिलाफ जो हो जाती हैं और इसमें ये परेशान होते हैं, उसमें एक नियम बन जाए कुछ वैधानिक तरीके से जिसमें सभी लोग उसका पालन करने को तैयार हैं और वैसी व्यवस्था बना के
जिससे इनको कोई परेशानी ना हो, रास्ते में इनका कोई ट्रक रोके नहीं, जितना ये निर्धारित मापदंड हो जाएगा उस पर ये काम करने को तैयार हैं, ऐसा इन्होंने अपनी तरफ से बात रखी है। मैं वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करें इस संबंध में, आगे की जो प्रक्रिया है उसका निर्धारण करके इन सबको अवगत करा दें। हाँ, इन्होंने शिकायत की कि कुछ थाने प्रभारी जो हैं शहडोल से लेकर सीरी से लेकर रीवा तक, वो कहीं ना कहीं से ट्रक वालों को परेशान करते हैं, और जब ट्रक होता है तो सबसे पहले कांटा कराने भेज देते हैं, तो जो माइनिंग हमको रेट देती है वो ज़्यादा रहती है, और ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से उसकी पकड़ में आ जाते हैं कि उसमें टन के हिसाब से ज़्यादा हो जाता है, तो ट्रैफिक के लोग फिर या पुलिस के लोग जो है कार्रवाई करने लग जाते हैं, या माइनिंग में ओवर टन में कोर्ट से जो जुर्माना होता है वो बड़ी मात्रा में होता है, तो उनका नुकसान होता है। तो उनका कहना है कि वो निर्धारित माप क्लियर हो जाए, वही बार बार ये बात कर रहे हैं, उसी का प्रयास कर रहे हैं। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे HBN News।